आप सभी को नमस्कार। आज हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यानी कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इस चैप्टर के लिए कुछ महत्वपूर्ण नोट्स कर रहे हैं, यानी कि इसकी महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको पता होना चाहिए, नोट्स जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल ये आता है कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज जो है एक पदार्थ है जो भूपर्पटी में पाया जाता है तथा साधारणतया उसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। खनिज अयस्क किसे कहते हैं? खनिज अयस्क धरती से निकली हुई कच्ची धातु है, मेटल है कच्चा, जिसमें मृदा तथा अन्य अशुद्धियां मिली हुई होती है। मृदा यानी मिट्टी होती है, यहाँ पर कच्ची धातु में कुछ मिट्टी और अशुद्धि जब मिली हुई होती है तो हम उसे मिनरल और या खनिज अयस्क कहते हैं। खनन किसे कहा जाता है? धरती से खनिजों को बाहर निकालने की आर्थिक प्रक्रिया को खनन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन, ये ईंधन समुद्र के अधःस्थल अथवा धरती के गर्भ में जीवों के अपघटन से बनते हैं, यानी कि जिन जीवों को धरती के भीतर जो दफन हो जाते हैं उन्हें उनका अपघटन हो जाता है, यानी गल करके वो फॉसिल्स बन जाते हैं। अलोह खनिज किसे कहा जाता है? जिन खनिजों में लोहे की मात्रा नहीं होती है, यानी नॉन फेरस मिनरल्स जो होते हैं वो अलोह खनिज कहलाते हैं, जैसे जस्ता है और शीशा, इनमें लोहा नहीं होता है तो इसे अलोह खनिज कहा जाता है। उसके बाद लौह खनिज हम किसे कहते हैं? लौह खनिज वे होती हैं, वे धातुएं होती हैं जिनमें लोहा होता है, जैसे लौह अयस्क और मैग्नीज अयस्क। ताप शक्ति किसे कहा जाता है? ताप शक्ति, देखिए, इस विद्युत का उत्पादन नियंत्रित दशाओं में कोयले, पेट्रोलियम अथवा परमाणु खनिजों को टुकड़ों में विभाजित करके होता है। जल ऊर्जा किसे कहते हैं? पानी से जो हमें ऊर्जा मिलती है, पानी से जो ऊर्जा बनती है उसे हम, यानी जल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। परंपरागत साधन, कन्वेंशनल रिसोर्सेस, ये ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन नहीं हैं, जैसे कोयला। कोयला नवीकरण नहीं है तो ये कन्वेंशनल जो है संसाधन कहा जाता है। उसके बाद गैर परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा। आणविक ऊर्जा, यह ऊर्जा नियंत्रित दशाओं में अणु को खंडित करके प्राप्त की जाती है। यह ऊर्जा अणु के केंद्र बिंदु को खंडित करके प्राप्त की जाती है, इसलिए इसे आणविक ऊर्जा कहते हैं। सिराएं और परतें, ये आग्नेय तथा कायांत्रित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में तथा बृहद जमाव परतों के रूप में पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट, यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है, 70% लोहे का अंश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, यानी कि विद्युत उद्योग जो हैं उनमें इसे काम में लिया जाता है। हेमेटाइट, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। इसमें 60-70% तक लोहे का अंश पाया जाता है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जिनका प्रयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है उसे हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, यूरेनियम आदि कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा के संसाधन हैं। भूवैज्ञानिक,
वह वैज्ञानिक जो धरती की उत्पत्ति और संरचना का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं उन्हें जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये हमारे आज के खनिज और ऊर्जा संसाधन चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।